तो फ्रेंड्स, अगर आप आयुष्मान कार्ड का काम करना चाहते हैं, यानी किसी भी कैंडिडेट का आयुष्मान कार्ड बना के देना चाहते हैं, अगर आपके पास ऑनलाइन सेंटर है, आप एक सीएससी वेली हैं, और अगर आप सीएससी वेली नहीं है और आयुष्मान कार्ड का काम करना चाहते हैं, यानी लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप रिटेल आईडी ले सकते हैं। ठीक है, रिटेल आईडी लेने के लिए किस तरीके से रजिस्ट्रेशन आपका कम्प्लीट होता है, क्योंकि रिटेल आईडी जब भी आप लेंगे तो हमारी तरफ से रिटेल आईडी यहाँ से कम्प्लीट कर दी जाएगी। लेकिन जब यहाँ से कम्प्लीट कर देंगे आपका रजिस्ट्रेशन, तो आपके पास एक ईमेल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, इनिशिएट रजिस्ट्रेशन हैज डन सक्सेसफुली, अ लिंक हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक लिंक जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे, उसको क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करना होता है। यानी आधा प्रोसेस हम यहाँ से करेंगे और जो कम्प्लीट होगा उसका वो आपकी तरफ से होगा। ठीक है, तो अगर आप आयुष्मान कार्ड का काम करना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू जुड़ के आयुष्मान कार्ड बनाने वाली आईडी ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यूटीआई का मास्टर डिस्ट्रीब्यूटरशिप है जो हमने ली हुई है। ठीक है, और ये होम पेज है, चलिए हम होम पेज पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे जिन्हें भी आयुष्मान कार्ड का वर्क चाहिए, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरीके से करते हैं। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाते हैं एंड यहाँ पे इनिशिएट रजिस्ट्रेशन फॉर कॉर्पोरेट ऑपरेटर इस पे क्लिक करते हैं। ये सारी डिटेल आपको देनी होती है हमें, ताकि हम यहाँ से आपके लिए लिंक जनरेट कर सकें। ठीक है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बस यही चीज चाहिए, बाकी जो प्रोसेस है वो आप कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने अपने फ्रेंड का रजिस्ट्रेशन किया है, उनका कंप्लीट कर दिया है और उनके पास ईमेल जा चुका है, तो हम चलिए एनी डेस्क के थ्रू उनका एक्सेस ले लेते हैं और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करके आपको बता देते हैं। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम से आप खुद से कर सकें। ठीक है, ओपन कर लेते हैं, ये एक्सेस हमने ले लिया है, ये कनेक्ट हो चुका है, ये एनी डेस्क, जो हमने ईमेल आईडी डाला है उस ईमेल आईडी पे एक मेल जाएगा। देखिए ईमेल इनके पास चला गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये किसी किसी के पास ऐसा होता है, आपके पास डायरेक्ट ईमेल में आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे या फिर जंक में जाके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे अपडेट फॉर्म्स, इसमें आपको चेक करना होगा तभी आपको मिलेगा ये फॉर्म। देखिए इनका अपडेट्स में अवेलेबल है, यूटीआई की तरफ से पीएमजे ई कार्ड प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे एक, देखिए मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक लिंक हमें मिला हुआ है। ठीक है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टैब ओपन होगा आपके पास, अपनी डिटेल फिल करके सबमिट कर देना है और यहाँ पे पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अगर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्कैनर से पहले आधार कार्ड को स्कैन कर रहे हैं, देन यहाँ पे इसको अपलोड करेंगे और यहाँ पे ये जो अपलोड करेंगे 250 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, साइज देख लीजिएगा 215 KB है। अपलोड पे क्लिक कीजिए, अपलोड योर आधार, ऑप्शन चेंज हो गया, यानी अपलोड योर आधार का ऑप्शन आ गया, सेंड ओटीपी, ओटीपी जाएगा नंबर पे, कंफर्म पे क्लिक कीजिए। अब ये आपका सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा ओपन हो गया। यहाँ पे जब हम आईडी क्रिएट करते हैं गाइस, तो हमें कॉर्पोरेट आईडी के साथ ही ये मिलता है ये कोड। ठीक है, तो इस कोड को आप डाल सकते हैं, इस कोड को डालने के बाद अपना ये पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। कोड को डालते ही सारा कुछ आ जाएगा, अगर आप यूपी से हैं तो नॉर्थ चूज करेंगे, बिहार से हैं तो ईस्ट चूज करेंगे, ईस्ट चूज करेंगे तो यहाँ पे बिहार आ जाएगा, हम यहाँ पे नॉर्थ चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे यूपी स्टेट आ जाता है, उत्तर प्रदेश। ठीक, आप देख सकते हैं बहुत सारे मैक्सिमम स्टेट हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं काफी, तो हमने सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी है, कौन कौन से स्टेट के कैंडिडेट हमसे आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आईडी ले सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, और भी किसी टाइप्स की प्रॉब्लम हो तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। ठीक है, तो आप सब डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए, तहसील हो गया आपका, हाँ लाइन लाइन, अदरवाइज बस इतने करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एड पे एक बार क्लिक कर देंगे, एड पे जैसे क्लिक करेंगे ऑपरेशनल प्रेजेंस में ये आ जाएगा अपने आप। अब हम यहाँ पे फाइनली सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और ये आपका यूजर आईडी है। देखिए जैसे यहाँ से एक्टिवेशन हुआ तो इनके ईमेल पे ईमेल एक आ गया है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इनका यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड मिल चुका है, अब यहाँ पे ये सिंपली लॉगिन करके अपना काम कर सकते हैं, लेकिन लॉगिन नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी हैंड टू हैंड हमने आईडी जनरेट किया है। अब आईडी ये जनरेट तो हो गई है, पासवर्ड मिल चुका है, लेकिन ये आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है, इसे एक्टिवेट होने में 2 से 3 दिन लग सकता है, मैक्सिमम 7 डेज लग सकते हैं, आईडी फुल एक्टिवेट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।